गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 23 जून और दोपहर के बज रहे हैं 4:30। दिन है संडे का। फ्राइडे का सेशन हमारा बहुत ही शानदार रहा था फ्रेंड्स। हेक्सावेयर ने तकरीबन 14% का रिटर्न दिया था। हमारे जो बाइंग लेवल्स थे वहाँ से तकरीबन एक वीक के अंदर ही, और उसके बाद सैटरडे इवनिंग का सेशन भी बहुत ही शानदार। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नाम है शेयर एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब किए फ्रेंड्स। बहुत तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं आगे। तकरीबन हर हफ्ते हमारे पास 50 से 60 नए सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि चैनल के ऊपर जो हमारी फिलॉसफी है वो है शेयर्स को थॉरली एनालाइज करना फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में खरीद की सलाह देना। अगर आप हैं ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर या मार्केट में स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग करने के लिए आए हैं तो माफ कीजिएगा, ये ग्रुप आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए हमारे मॉडरेटर्स को, हमारे मॉडरेटर्स आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह क्या है, आज का ये सेशन हमारी लर्न टू अर्न सीरीज का 14th वीडियो है। ये इकलौती हमारी सीरीज है जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया है आप सभी लोगों के द्वारा, खास करके वो लोग जो मार्केट के अंदर न केवल निवेश कर रहे हैं बल्कि निवेश के साथ साथ धीरे धीरे और सीखना भी चाह रहे हैं और अपनी कॉल्स खुद जनरेट करना चाह रहे हैं, उन्हीं के लिए आज का ये 14th सेशन है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट है। सेशन का नाम है लर्न टू अर्न सीरीज 14, सबसे बड़ा ट्रैप या फिर डेड कैट बाउंस। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस टर्म के बारे में नहीं पता होगा, या कुछ लोगों ने इस टर्म के बारे में सुना भी हो, बट मजेदार चीज यह है कि हम में से हर किसी ने, जिसका भी मार्केट के अंदर 3 महीने से ज्यादा का तजुर्बा हो रखा है, उसने इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस किया है, या तो उसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है या फिर वो इस ट्रैप के अंदर कभी ना कभी जरूर फंसा है। इसलिए इस टर्म का नाम है डेड कैट बाउंस। तो क्या है डेड कैट बाउंस, बिल्कुल कम समय में डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे हम साथ ही साथ उन एक्सपीरियंसेस से जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे साथ में शेयर किए हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे सब्सक्राइबर्स, वाकई रिटेल निवेशक जो हैं वो डेड कैट बाउंस के अंदर फंसते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और धैर्य के साथ देखिए, और अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आता तो इन वीडियोस को एक से ज्यादा बार भी आप देख सकते हैं। याद रखिए कि अगर तीसरा कोई वीडियो हमें सेलेक्ट करना हो अपनी लर्न टू अर्न सीरीज में कि जो हमारे रिटेल निवेशकों को देखना ही चाहिए, तो सबसे पहला था ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा था सेक्टर एनालिसिस, और तीसरा वीडियो है डेड कैट बाउंस। क्योंकि ये वीडियोस न केवल आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि बुरी ट्रेड से बचाते हैं। ओके, सो अब जरा देखते हैं कि आखिर डेड कैट बाउंस है क्या। जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, आप जानते हैं वर्जन है ट्रेड टाइगर का 2.5, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है, और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है, इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान है सीखने के लिए। ठीक है, तो सवाल कि डेड कैट बाउंस असल में है क्या, और जवाब अगर आप इसे विकिपीडिया पर ढूंढेंगे तो डेड कैट बाउंस के लिए डेफिनेशन है कि इन अ फाइनेंस डेड कैट बाउंस इज अ स्मॉल ब्रीफ रिकवरी इन द प्राइस ऑफ अ डिक्लाइनिंग स्टॉक डिराइव फ्रॉम द आइडिया दैट इवन अ डेड कैट विल बाउंस इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट द फ्रेट्स विच ओरिजिनेटेड ऑन वॉल स्ट्रीट। खैर, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको सिखाना हो तो डेड कैट बाउंस का मतलब क्या है। डेड कैट बाउंस का मतलब है कि कोई भी शेयर जब अपने ऊपरी स्तर से गिर रहा होता है, एक तरफा अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा होता है, उस गिरावट में कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब वो शेयर थोड़ा सा अप ट्रेंड में आता है, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स, ध्यान से देखिए, ऊपरी स्तरों से गिरता हुआ, शानदार तरीके से गिरता हुआ शेयर अचानक से ही अप ट्रेंड दिखाता है, और इस अप ट्रेंड को कहते हैं डेड कैट बाउंस, यानी मरी हुई बिल्ली को अगर आप बहुत ऊंचाई से छोड़ें तो एक बार को वो भी थोड़ा सा जंप ले लेगी। ये है डेड कैट बाउंस का मतलब, और पीसी ज्वेलर्स जैसे शेयर वाकई इस मार्केट की मरी हुई बिल्ली हैं, तो उनकी जंप को देखकर अगर किसी को ये लगता है कि इस बिल्ली में जान है और इसे पालना चाहिए, यानी कि पीसी ज्वेलर्स के अंदर जान है और इसे खरीदना चाहिए, तो वो लोग दोबारा से नुकसान में फंसते हैं। क्यों? डेड कैट बाउंस जैसे ही खत्म होता है, शेयर अगेन अपना जो डाउन ट्रेंड था उसे रिज्यूम कर लेता है। क्वेश्चन, क्या वाकई मार्केट के अंदर रिटेल निवेशक डेड कैट बाउंस के अंदर फंसते हैं? आंसर, जरा ध्यान से देखिए इस शेयर की लिस्ट को, ये रेगुलर क्वेरीज वाली लिस्ट है हमारी, ये सारे के सारे ऐसे शेयर्स हैं जिन्हें रेगुलरली हमारे जो सब्सक्राइबर्स या रिटेल निवेशक हैं जो इनके बारे में पूछते रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस लिस्ट में कौन कौन से शेयर्स हैं, जेट एयरवेज, सुजलॉन, हेक्सावेयर, गति, अवध शुगर, जे एंड के बैंक, एच ई जी, पी सी ज्वेलर्स, डी एच एफ एल, डी सी एम श्रीराम, डी एच एफ एल, अफोर्डेबल, विमटा लैब्स, के ई आई, ओबरा रियलिटी, वीगार्ड। नाउ इनके अंदर एक कॉमन चीज क्या है,
इनमें से बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसके अंदर एक बेहद कॉमन फेनोमेना है, और वो कॉमन फेनोमेना क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। आमतौर पर रिटेल निवेशक टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, ये चीज़ हमने अपने 8 साल के तजुर्बे से पाई है। रिटेल निवेशकों के पास में, माफ कीजिएगा, फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं होती। ज़्यादातर वो शेयर्स को खरीदते कैसे हैं, बिजनेस चैनल्स को सुबह से शाम तक देखना, उन पर जो भी शेयर्स डिस्कस हो रहे हैं उन शेयर्स को एक या दो बार देखना और उसके बाद फिर उन शेयर्स को खरीद लेना। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये शेयर टेक्निकली कैसा है या फिर फंडामेंटली कैसा है। जैसे कि पीसी ज्वेलर्स जैसा शेयर, वेंकीज जैसा शेयर, जेट एयरवेज जैसा शेयर पिछले 3 से 6 महीनों में बहुत ज़्यादा बार डिस्कस किया गया है बिजनेस चैनल पर, और इनमें कई बार खरीद की राय दी गई है येस बैंक जैसे शेयरों में भी। और जब से आप शेयर एकेडमी से जुड़े आपको पता चला कि इन शेयरों को आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो अब जरा हम इन शेयर्स के चार्ट्स आपके सामने डिस्कस करते हैं और देखिए कि कैसे रिटेल निवेशक डेड कैट बाउंस के अंदर फंसते हैं। इसे चार्ट पर ध्यान से देखते रहिएगा। जरा ध्यान दीजिए जेट एयरवेज को, एक दिन के अंदर 15% का रिटर्न देता है। आमतौर पर रिटेल निवेशक चार्ट नहीं देख पाते, उन्हें सिर्फ एक दिन का 15% का रिटर्न दिखता है। कोई भी निवेशक ऐसे समय में जिसके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है टेक्निकल या फंडामेंटल्स की, अगर वो जेट एयरवेज को 15% बढ़ा हुआ देखे तो वो बिल्कुल जेट एयरवेज के अंदर निवेश कर लेगा। बट क्या चार्ट पर जेट एयरवेज वाकई बढ़ा हुआ है या फिर ये एक डेड कैट बाउंस है? जरा ध्यान से जेट एयरवेज का चार्ट देखिए। ऊपरी स्तरों से लगातार गिरता हुआ एक शेयर जो कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, और ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी जब आप इसके साथ 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है शेयर, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है और अचानक से एक दिन 15% बढ़ जाता है, तो क्या ये किसी भी तरह के ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है या फिर एक डेड कैट बाउंस है? हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ऊपरी स्तरों से नीचे गिरता हुआ शेयर एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ही बाउंस बैक करता है, और इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए कि वो शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो ऊपर से गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है। जेट एयरवेज फंडामेंटली बिल्कुल वीक है, ये चीज़ आपको पूरी तरह से पता है, इसलिए शेयर कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं करता बल्कि डाउन ट्रेंड रिज्यूम करता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ऊपरी स्तरों से नीचे गिरता हुआ शेयर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट तभी देगा जब वो शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बट जेट है फंडामेंटली वीक। तो जेट क्या करता है, ऊपरी स्तरों से गिरने के बाद थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद नीचे आता है और अचानक एक दिन 15% का स्विंग दे देता है। क्या ये 15% शेयर का ब्रेकआउट है? जी नहीं, ये है डेड कैट बाउंस। क्यों? लगातार एक तरफा गिरते हुए शेयर ने थोड़ी सी रिकवरी दी है। अगर ये चीज डेड कैट बाउंस है तो फिर हेक्सावेयर का ये 15% का मूव ब्रेकआउट कैसे है? सेम है, जेट एयरवेज में भी 15% का ब्रेकआउट था और हेक्सावेयर के अंदर भी एक दिन में 15% का ब्रेकआउट था, तो हेक्सावेयर का ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट क्यों है और जेट का वो 15% का अप मूव डेड कैट बाउंस क्यों है? सबसे पहले, दोनों ही कंपनियों के फंडामेंटल्स में जमीन आसमान का अंतर है। हेक्सावेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। सेकंड, हेक्सावेयर आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। जब निफ्टी के अंदर गिरावट होती है तो आईटी सेक्टर्स के अंदर खरीदारी होती है, ये एक बेसिक रूल है मार्केट के अंदर जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल किया जाता है। ठीक, सेकंड चीज, हेक्सावेयर ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन से गुजरा। कितने समय तक? नवंबर 2018 से जून 2019, लगभग 1.5 साल तक, माफ कीजिएगा, लगभग 6 महीनों तक। 6 महीनों तक के अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद शेयर में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। तो हेक्सावेयर और जेट एयरवेज के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो है फंडामेंटल्स का। ठीक, सो हेक्सावेयर का जो ये अप ट्रेंड है ये ब्रेकआउट है, जबकि जेट एयरवेज का वो अप ट्रेंड एक डेड कैट बाउंस है। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं डेड कैट बाउंस के। सुजुलॉन, ऊपरी स्तरों से नीचे गिरता हुआ शेयर, देखिए बीच बीच में अपस्विंग देता है, और इस अपस्विंग को अगर कोई भी रिटेल निवेशक देखता है तो उसे लगता है कि अरे वाह, सुजुलॉन के अंदर तो खरीदारी आ रही है, ये देखिए सुजुलॉन के अंदर खरीदारी आ रही है, इसे तो खरीद लेना चाहिए। बट उसे ये नहीं पता कि इस खरीदारी के पीछे जो गिरावट है वो कितनी भारी है, और ये गिरावट इस खरीदारी को ट्रेंड रिवर्सल नहीं बल्कि डेड कैट बाउंस बनाती है। ठीक, अब देखिए गति के अंदर, एक दिन में 10% का अप ट्रेंड,
ये 10% देखकर तो कोई भी आदमी गति को खरीद सकता है। और साथ ही साथ आपको याद होगा फ्रेंड्स, 15 दिनों पहले आज से स्नोमैन और गति लॉजिस्टिक एक ही दिन डिस्कस किए गए थे बिजनेस चैनल पर, और उसके बाद हमने उसका एनालिसिस किया था यहीं अपने जो लाइव सेशन था उसके अंदर। अब जरा गति के मूवमेंट को ध्यान से देखिए, एक दिन के अंदर आने वाले इस मूवमेंट को कोई भी इल इन्फॉर्म्ड या अन इन्फॉर्म्ड रिटेल निवेशक समझ सकता है कि ये अप ट्रेंड आ गया है और अब गति में खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में 10% अप ट्रेंड में आ गया है। बट जो लोग शेयर एकेडमी से जुड़े हैं उन्हें पता है कि शेयर इस समय एक मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है और मार्केट में कभी भी वीकनेस नहीं खरीदनी है। एक दिन का 10% का ये अप ट्रेंड, या यहाँ 10% का अप ट्रेंड, या ये जो 15-20% के अप ट्रेंड थे, ये अप ट्रेंड, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डेड कैट बाउंस हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। इन डेड कैट बाउंसेस पर देखिए कितने हैं, जो भी फंसा और जिस लेवल पर फंसा वो फंसा ही रह गया, उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। गति में हर लेवल पर लोग फंसते रहे और गति एक तरफा नीचे गिरता रहा। ये है शानदार एग्जाम्पल डेड कैट बाउंस के। जेके बैंक को देखिए, बेहतरीन एग्जाम्पल है डेड कैट बाउंस का। एक एक दिन में शेयर 7, 8, 10% तक बढ़ा। ये देखिए, ये अप ट्रेंड दिख रहा है, ये अप ट्रेंड देखिए, ठीक, लगातार गिरता हुआ शेयर एक दिन में 8-9%, ये 8-9% का अपस्विंग। बट जो भी शेयर एकेडमी से जुड़ा हुआ है, जिसने भी लर्न टू अर्न सीरीज का ट्रेंड एनालिसिस देख रखा है, उसे पता है कि शेयर के अंदर ट्रेंड चेंजेस इतनी आसानी में नहीं आते हैं, खास करके फाइनेंशियल्स की हालत तो बहुत ही खराब है। लगातार गिरता हुआ शेयर, जो भी एक एक दिन के अंदर ये स्विंग्स आ रहे थे, ये एक दिन में इतने वॉल्यूम के साथ में आपको इतने लंबे स्विंग मिल रहे हैं, क्लियर है कि ये डेड कैट बाउंस हैं, इन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना है। और हालत देखिए शेयर की, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड मेंटेन करके रखा हुआ है। अब एचईजी, ऊपरी स्तरों से गिरता हुआ शेयर, जितनी बार भी शेयर ने एक दिन के अंदर 7 से 8% का रिटर्न दिया, ये सारे के सारे और कुछ नहीं बट डेड कैट बाउंस थे। तो डेड कैट बाउंस का मतलब क्या है? एक तरफा गिरता हुआ शेयर एक दिन के अंदर 8 से 10% का जो रिटर्न देता है, वो रिटर्न सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशकों को ट्रैप करने के लिए होता है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना तो ज़रूरी है ही, बट लॉस से बचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आमतौर पर लोग हमसे परेशान होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं कि सर, जब 10 कॉल्स हम पूछते हैं तो 10 में से 8 तो आप अवॉइड करने के लिए कहते हैं, 2 ही कॉल्स में आप खरीदारी की राय देते हैं। तो उसकी वजह यही है फ्रेंड्स कि मार्केट में एट ए टाइम 2 से ज़्यादा कॉल्स खरीदारी की होती ही नहीं है। ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो तो घाटे में चल रहे होते हैं, उनका ट्रेंड खराब होता है, इसलिए 10 में से 8 कॉल्स अगर हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं तो उसके पीछे ये वजह है। ये 8 साल का स्टडी एक्सपीरियंस और एक प्रोफेशनल नॉलेज है। पीसी ज्वेलर्स, ध्यान से देखिए, इसे हमने अवॉइड करने के लिए बोला था, और बीच बीच के ये जो अप ट्रेंड आए ना, ये देखिए 3 दिनों में पीसी ज्वेलर्स कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक, कहाँ से 95 से 150, 50% का जंप सिर्फ 3 दिनों में। ना ऐसा जंप देखकर कौन ल्योर नहीं हो जाएगा, ये बताइए। और जो ल्योर होगा, जिसने मुंह खोला वही मछली फंसी। और उसके बाद देखिए 95 से 105 तक गया था और वहां से शेयर एक तिहाई हो गया, 50 रुपीज पर आ गया। इसीलिए अंतर समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड रिवर्सल क्या है और डेड कैट बाउंस क्या है। डीएचएफएल, ध्यान से देखिए, हर लेवल पर ये जो अप ट्रेंड थे, ये अप ट्रेंड थे, ये जो 3 दिनों के अंदर आया हुआ अप ट्रेंड, जरा 3 दिनों के अंदर मूवमेंट का फर्क देखिए। 106 से शेयर 130 पर जा रहा है, 24 रुपीज का जंप ए 3 दिनों के अंदर, 25% का जंप है शेयर में 3 दिनों के अंदर। इन मूवमेंट्स के अंदर कौन ल्योर नहीं हो जाएगा, ये बताइए। और जो ल्योर होगा वो बिल्कुल फंसेगा। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि मछली वही फंसी कांटे में जिसने मुंह खोला। बहुत समझदारी के साथ आपको मार्केट के अंदर कॉल्स लेनी चाहिए या निवेश के मौके ढूंढने चाहिए, आंखें और कान दोनों खोलकर। जब आपको पता है कि डीएचएफएल फाइनेंशियली वीक है, फंडामेंटली वीक है, तो डेड कैट बाउंस पर नहीं जाना है। और सेकंड चीज करनी क्या है कि वीडियो सीरीज में जाना है, हमारे लर्न टू अर्न सीरीज जो हमारी हैं, 13-14 वीडियोज हैं टोटल। अगर कुल मिलाकर जितने वीडियोज हम इसके बनाएंगे लर्न टू अर्न के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, वो 40 वीडियोज होंगे। हर वीडियो अगर 10 मिनट का मान लीजिए तो सिर्फ 400 मिनट्स होंगे आपके पास में। अगर इतना भी देखने के लिए आपके पास में वक्त नहीं है तो फिर मार्केट में आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है। फिर आप पीसी ज्वेलर्स, वक्रांगी, जैन इरिगेशन जैसे शेयरों में फंसेंगे। इसलिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर अपना नॉलेज धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स बहुत ही शानदार, जहां पर
डेड कैट बाउंस हुआ है बिरला केबल्स, बेहद शानदार ऊपरी स्तरों से गिरता हुआ शेयर। और ये देखिए 2 दिनों के अंदर ये मूवमेंट दिख रहा है, 2 दिनों में कितना आया है, 90 रुपीज से 123, 30-40% का रिटर्न 1-2 दिनों के अंदर। 2 दिनों में 40% का रिटर्न जिसको भी दिखा ना, उसे लगा कि भाई शेयर की चाल बदल गई है, अब बहुत गिर लिया शेयर, 175 से गिर रहा है और 103 पर, 92 पर आ गया था और अब 121 पर आ गया है, अब तो ये शेयर खरीद लेना चाहिए। और अचानक से लोग शेयर खरीद लेते हैं और उसके बाद शेयर की हालत देखिए क्या होती है, फिर जो गिरना शुरू करता है तो अपने ऊपरी स्तरों से और नीचे। ये है लोअर हाइज लोअर लो, ये है डेड कैट बाउंस। हमेशा ध्यान रखिए कि फंडामेंटली वीक शेयर ऊपरी स्तरों से तेजी से गिरता हुआ जब जब शार्प अप मूव देता है, ये अप मूव बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल नहीं बल्कि डेड कैट बाउंस कहलाते हैं, और इसलिए इनसे बहुत दूर रहने की जरूरत है। ऑप्टो सर्किट, ये देखिए शानदार गिरावट करता हुआ शेयर एक एक दिन के अंदर 10 से 20% के रिटर्न देता था, 2-2 दिनों के अंदर, बट शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक है। तो जो भी ये अप ट्रेंड्स आते हैं, ये अप ट्रेंड बेसिकली डेड कैट बाउंस होते हैं। तो आपको फर्क करना आना चाहिए कि डेड कैट बाउंस क्या है और ट्रेंड रिवर्सल क्या है। स्नोमैन लॉजिस्टिक ध्यान से देखिए, ये अप ट्रेंड देखिए, ये वो पर्टिकुलर डे था जब बिजनेस चैनल पर ये शेयर डिस्कस हुआ था, और उसके बाद हमने सेम डे में, ये दिन था 29 मई का, इस दिन का जो हमारा लाइव सेशन है फ्रेंड्स, 29 मई, इसमें सर्च कीजिएगा लाइव सेशन, उसे ढूंढिएगा और उसे देखिएगा कि सेम डे में हमने दोपहर के 2 बजे स्नोमैन लॉजिस्टिक और गति लॉजिस्टिक को डिस्कस किया था कि आखिर कैसे कोई शेयर जो इतने लंबे डाउन ट्रेंड के अंदर है उसे बिजनेस चैनल पर खरीदने की राय दी जा रही है। किस लेवल पर खरीदने की राय दी गई थी, इस लेवल पर, 35 के लेवल पर खरीदने की राय दी गई थी। शेयर वहां से 38 तक गया और उसके बाद देखिए दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो जरा लेवल्स देखिए क्या है, 30 रुपीज से 38 रुपीज पर 4 ट्रेडिंग सेशन में जाता है शेयर, यानी 25% का रिटर्न 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और उसके बाद अचानक से शेयर दोबारा से रिज्यूम करता है अपना डाउन ट्रेंड और दोबारा से अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाता है, शेयर पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। फ्रेंड्स इसीलिए हम कहते हैं कि बाइबल है हमारा ट्रेंड एनालिसिस वाला वीडियो। सिर्फ एक वीडियो अगर आपको कोई उठाकर देखना चाहिए लर्न टू अर्न सीरीज का, तो ट्रेंड एनालिसिस, नीचे आइएगा थोड़ा सा, ये रहा ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ठीक है। ये वीडियो अगर आपने देख लिया, 20 मिनट्स का है, तो ये समझिए कि आप 70-80% नुकसान से बच जाएंगे, क्योंकि जितने भी इस तरह के गंदे शेयर्स होंगे आप उनको ट्रेंड देखते ही आप उसे पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। जैन इरिगेशन, क्यों जैन इरिगेशन पर हम बियरिश हो रहे हैं, देखिए ये बीच बीच के जो अप ट्रेंड हैं एक दिन में कहां से आ रहा है अप ट्रेंड, देखिए निचले लेवल थे 16, एक दिन के अंदर जैन इरिगेशन 16 से 24 तक जाता है, 8 रुपए बढ़ा हुआ, तकरीबन 60% का रिटर्न एक दिन के अंदर। नाउ क्या ये 60% का रिटर्न एक दिन के अंदर शेयर के ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, यानी शेयर अब सफिशियंट गिर चुका और अब इसके अंदर खरीदारी की जानी चाहिए। बड़ा मजेदार है, एक पर्टिकुलर कमेंट है, जरा इसे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे जैन इरिगेशन के वीडियो पर आया हुआ है, ठीक है, बस 1 मिनट का वेट कीजिएगा। जैन इरिगेशन, ये जो हमने कहा है, अप्रिशिएट योर व्यू, जरा ध्यान से देखिए क्या कहते हैं जो कमेंट है, आई सिंसियरली फील जैन इरिगेशन, सुधीर पाटिल जी का कहना है कि आई सिंसियरली फील दैट जैन इरिगेशन इज फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज एंड शेयर एट दिस लेवल गिवन वैल्यू वर्थ बाइंग, नोट मी, यू विल गेट गुड रिटर्न इन अ ईयर। नाउ आई सिंसियरली फील, मार्केट के अंदर फीलिंग्स नहीं चलती हैं फ्रेंड्स, आई डोंट सिंसियरली फील, आई नो, मार्केट के अंदर चलता है एनालिसिस, वो भी डाटा का। अगर इसके बजाय इन्होंने ये कहा होता कि मैंने इसके फंडामेंटल्स देखे हैं और इसके फंडामेंटल्स में ये पॉइंट्स हैं जो हमसे छूट गए हैं, इन्हें इन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए था, तो हम बिल्कुल इस कमेंट को वैल्यू देते। बट मार्केट के अंदर फीलिंग नहीं चलती, फीलिंग तो हमें भी आती है कि निफ्टी को यहां से आगे जाना चाहिए, बट डाटा ये सजेस्ट नहीं कर रहा है कि निफ्टी यहां से आगे जाएगा, डाटा सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी को यहां से नीचे आना चाहिए। क्यों, निफ्टी इतना बढ़ गया है। तो हमने हमेशा से बताया फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन और फीलिंग नहीं चलेगी, मार्केट के अंदर चलेगा क्या, डाटा एनालिसिस और नॉलेज। और नॉलेज ये कहता है कि एक तरफ से तेजी से गिरता हुआ शेयर 10-50-60% रिटर्न अगर एक दिन के अंदर भी देता है, दैट इज अ डेड कैट बाउंस, दैट इज नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेड कैट बाउंस से ज्यादा अच्छा ट्रैप रिटेल निवेशकों के लिए मार्केट में और कुछ नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया ट्रैप मार्केट के अंदर
और कुछ भी नहीं है, और एक बहुत ही शानदार शेयर है जो कि है ग्रेफाइट, जिससे हमने निकल जाने के लिए सलाह दी थी हर लेवल्स पर। और ज़रा ग्रेफाइट के अंदर गिरते हुए शेयर में ये अप ट्रेंड देखिए, ये दिख रहे हैं आपको एक दिन के अंदर। ज़रा इस अप ट्रेंड को अगर आप एनालाइज करिए, देखिए निचला लेवल क्या है 690 का, ऊपरी लेवल क्या है 800 का। 690 से 800, 120 एक दिन में 11% का रिटर्न। नाउ एक दिन के अंदर ग्रेफाइट जैसे शेयर में 11% का रिटर्न देखकर कौन होगा जो खरीदने के लिए नहीं लालायित होगा? वो लोग होंगे जो शेयर एकेडमी से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड रिवर्सल और डेड कैट बाउंस, इन दोनों के अंदर फर्क है। ये वो सारे शेयर्स हैं जो हमारी रेगुलर क्वेरीज के अंदर डिस्कस होते हैं। सब्सक्राइबर्स आते हैं, शेयर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। जब हम उसे चार्ट पर देखते हैं तो वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं बल्कि डेड कैट बाउंस होता है। यूपीएल के अंदर बड़ा मजेदार है ये, 3 दिनों के अंदर ये शानदार गिरावट हुई है और उसके बाद एक दिन के अंदर आने वाला ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी असल में एक डेड कैट बाउंस है। ये रिकवरी किसी तरह का ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। और यूपीएल के अंदर जल्दी ही हम एक वीडियो लेकर आएंगे फ्रेंड्स आपके लिए जो देखने लायक होगा यूपीएल का, ठीक है। सेशन देखें कितना लंबा हो गया। ओके 20 मिनट्स का सेशन हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद है कि जो हम बताना चाह रहे हैं ये चीज़ आपकी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि ट्रेंड रिवर्सल और डेड कैट बाउंस के अंदर फर्क क्या है। आपको समझना चाहिए इन चीज़ों को। और हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट के अंदर कभी भी कमजोरी नहीं खरीदनी है। गिरते हुए शेयर्स को कभी भी मार्केट में परचेज नहीं करना है, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग शेयर क्यों ना हो। हम हमेशा आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एमआरएफ से अच्छे फंडामेंटल्स किस कंपनी के होंगे ये बताइए। बट अगर एमआरएफ गिर रहा है ऊपरी स्तरों से 75,000 से, तो मार्केट में खरीदारी नहीं करनी है। गिरावट पर एमआरएफ जैसे शेयर में भी खरीदारी नहीं करनी है, तो फिर जो ये कमजोर शेयर है इनकी तो बात ही क्या, ठीक है। कभी भी वीकनेस नहीं खरीदनी है शेयर के अंदर, और हमेशा अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। वन स्टेप एट ए टाइम लीजिए, पता कीजिए कि आखिर डेड कैट बाउंस और ट्रेंड रिवर्सल के अंदर क्या फर्क है। और अगर शेयर के अंदर डेड कैट बाउंस है तो परचेज मत कीजिए, लेकिन हाँ अगर वो शेयर हेक्सावेयर है और शेयर एकेडमी की तरफ से रिकमेंडेड शेयर है तो शेयर के अंदर खरीदारी बिल्कुल बनती है। और एक दिन के अंदर 14% के रिटर्न जैसे रिटर्न्स एंजॉय कीजिए। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशंस ये एक दो दिन में आपको रिटर्न दे सकते हैं, एक दो बार रिटर्न दे सकते हैं, बट लंबे समय तक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो सस्टेन करती है, और वो है नॉलेज और एनालिसिस। थर्ड है पेशेंस, जो कि आपको रखना है। हम नॉलेज और एनालिसिस आपके लिए कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट पेशेंस मार्केट के अंदर आप ही को रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपना नॉलेज भी बढ़ाते रहना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन है फ्रेंड्स, ये आपके लिए अगेन एक आई ओपनर सेशन के तौर पर होगा। आप में से वो लोग जो लर्न टू अर्न सीरीज देख रहे हैं, काइंडली हमारी हेल्प कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आज के इस सेशन से आपको क्या सीखने के लिए मिला है। क्या इससे पहले आपने ट्रेंड रिवर्सल और डेड कैट बाउंस के बीच में जो अंतर होता है उसे कभी समझा था, या आज फर्स्ट टाइम आपको इसके बीच का अंतर पता चल रहा है? आपके कमेंट से हमें आगे बनाने वाले वीडियोस के लिए न केवल मोटिवेशन मिलता है बल्कि थोड़ी सी समझ और बढ़ती है कि रिटेल निवेशक किस तरह से मार्केट में बिहेव करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये सारे आप ही लोगों के सजेस्ट किए हुए शेयर हैं। इनसे हमें पता चलता है कि रिटेल निवेशक मार्केट में किस तरह के शेयर्स खरीदते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। इससे हमें आप लोगों को और बेहतर समझाने में मदद मिलती है, आपका एटीट्यूड चेंज करने में मदद मिलती है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है कि जब से वो शेयर एकेडमी से जुड़े हैं न केवल मार्केट के लिए उनका एटीट्यूड चेंज हुआ है बल्कि उनका पोर्टफोलियो भी रेड से ग्रीन में आने लगा है। तो हमारी स्टडीज के लिए भी आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अगर आपको पसंद आ रहा है ये चैनल फ्रेंड्स, तो कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, वो हमें पता है कि आप करेंगे ही क्योंकि आपको ये चैनल बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अगर आप चाहें तो हमारी हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही साथ आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक हेल्प आपसे और चाहिए हमें, वो है मन की बात सीरीज के तौर पर। अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज, ये वीडियोस, ये चैनल अच्छा है तो अपना एक वीडियो शूट कीजिए हमारी इस मन की बात सीरीज के तौर पर ही, 2-3 मिनट का एक वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बताइए कि आखिर इस चैनल से आप कब से जुड़े हैं, ये चैनल आपको क्यों पसंद है और भविष्य में आपकी इस चैनल से क्या उम्मीदें हैं। वीडियो शूट करके भेज दीजिए हमारे मॉडरेटर्स के पास में, मॉडरेटर का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम आपका वीडियो आपकी परमिशन से अपने चैनल पर अपलोड करेंगे मन की बात सीरीज के अंतर्गत, और आप बनेंगे हमारे इस चैनल का फेस।
उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपको न केवल पसंद आएगा बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और नॉलेज वाला होगा। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।